बालाघाट भू अभिलेख कार्यालय में विधायक समीर कुनावा ने उप विभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले, तहसीलदार सतीश मसाड़ के साथ मुलाकात की और कई दस्तावेजों का निरीक्षण किया और भू अभिलेख कार्यालय में अनियमित परिवर्तनों पर ध्यान दिया और भू अभिलेख उप अधीक्षक प्रशांत बंग को इन्हें अनियमितता पे जवाब मांगा। हिंगनघाट शहर के भूमि अभिलेख कार्यालय से कई तरह की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए लोगों को भूमि अभिलेख कार्यालय में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यह कार्यालय दलालों से भ्रष्ट हुआ था। इस कार्यालय में कोई नियमित भू अभिलेख अधिकारी नहीं होने के कारण कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारी बिचौलियों के माध्यम से कार्य कराने का दबाव डालते रहते थे। इस पर संज्ञान देते हुए विधायक समीर कुनावार उप विभाग के अधिकारी और तहसीलदारों के साथ कार्यालय पहुंचे और अनियमित मामलों को उजागर किया। इस अवसर पर विधायक समीर कुनावार ने राज्य के राजस्व मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल से संवाद करते हुए भूमि रजिस्ट्री कार्यालय के अनियमित कामों का खुलासा राजस्व मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल से किया। मंत्री ने समीक्षा की और वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत उचित कार्यवाही करने का आदेश इस वक्त दिया। हिंगणमध्ये माझ्या भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये आहे। असं झालं की गेल्या 6 महिन्यापासून खूप तक्रारी आहे आणि आता तक्रारीसाठी म्हणून आता पेपरबाजी झाली। पेपरला बातम्या आता आता मी तहसीलदार एसडीओ आणि आम्ही आलो इथे प्रचंड प्रमाणामध्ये तक्रारी पेंडिंग आहे। ब्रोकर म्हणजे दलालाशिवाय काम होत नाही। बाहेरचा दलाल येईल तर ती फाईल या ठिकाणून हलेल। त्याच्यानंतर मोठे मोठे म्हणजे 2019 जे प्रकरण प्रलंबित आहे आणि सामान्य माणसाला 3 महिने 6 महिने चक्रा मारायला लावतात। आमच्या जिल्ह्याचे जे अधिकारी आहेत ठोबे म्हणून त्यांना सांगितलं, त्यांनी काय लक्ष दिलं तर आम्ही सर्व इथं आहो साहेब। इथं तात्काळ लोकांना प्रचंड मानसिक त्रास होत आहे। बरोबर नाही साहेब? आपले भूमी अभिलेख, आपले हिंगणघाटचं भूमी अभिलेख म्हणजे उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय हिंगणघाट। हो बघ नाही पण साहेब इथे आता हे जे सामान्य लोकांकडून पैसे घेऊन म्हणजे बाहेरून पैसे घेतल्याशिवाय काम कार्यालयात होत नाही, अशा लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे। पेंडन्सी बद्दल चौकशी झाली पाहिजे। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येणूरकर की रिपोर्ट।